डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है, हरीश रावत को क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उत्तराखंड से उतारती है या उनकी जगह किसी और को उतारती है। तो आज मैं हरीश रावत की कुंडली का विश्लेषण करूंगा, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1947 को हुआ था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इनकी लगन में चंद्रमा और शनि का विष दोष बना हुआ है। देखिए, हमें चंद्रमा की डिग्री 4 है और शनि की डिग्री 9 है, तो चंद्रमा शनि के ऊपर से जाएगा, तो शनि और चंद्रमा का क्लोज कंजंक्शन भी है, तो ये विष दोष में काउंट होगा। और सेकंड आप देखें, फिफ्थ हाउस में गुरु केतु का योग है। गुरु केतु, क्योंकि गुरु केतु बेसिकली फिफ्थ हाउस में थोड़ा बच्चों से रिलेटेड इशू करता है, जैसे कि आपको पता होगा इनका बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, तो गुरु केतु अच्छा योग नहीं है फिफ्थ हाउस में बच्चों के लिए। बेसिकली ये गुरु चांडाल योग भी कहलाता है। देखिए, सबसे पहले लगन में विष दोष, गुरु चांडाल दोष फिफ्थ हाउस में। और आप एक और चीज देखेंगे, नाइन्थ हाउस में जो कि गुरु का घर है, वहां बुध नीच के हो गए हैं और बुध मंगल की युति शुक्र मंगल की युति है। बट आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ मंगल और गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक राजयोग हो गया। त्रिकोण के स्वामी आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग के अंदर इंक्लूड होता है। और टेंथ हाउस में देखिए, सूर्य बैठे हैं एक्सोल्टेड पोजिशन में, उच्च के हैं सूर्य यहाँ पर, और केतु के नक्षत्र में, अश्वनी केतु का नक्षत्र है, तो सूर्य सरकार से संबंधित कार्य कर रहा है। जैसे कि आपको इनके बारे में पता ही होगा, ये मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो राहु जी भी उच्च के बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो इनके दो नेगेटिव योग हैं, एक तो शनि चंद्रमा का विष दोष है, सेकंड गुरु केतु का चांडाल दोष फिफ्थ हाउस में है। तो ये दो नेगेटिव योग हैं, बट चंद्रमा अपने घर का है, बट चंद्रमा पीड़ित है शनि से। अब नामांश में भी इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शनि और चंद्रमा को। शनि और चंद्रमा नामांश में आप यहाँ देख सकते हैं, शनि मित्र राशि में गया और चंद्रमा कहाँ गया, आप यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की राशि में गया है, अग्नि तत्व में, मतलब चंद्रमा अग्नि तत्व में गया है। चंद्रमा जलीय राशि से हम इसे पहचानते हैं, मतलब जलीय राशि का स्वामी है, तो चंद्रमा अग्नि तत्व में गया, तो चंद्रमा थोड़ा वीक हो गया। अब यहाँ पर और चीजें भी देखें तो गुरु केतु को भी देख लेते हैं एक बार। गुरु केतु कहाँ है, गुरु आप देखेंगे तो उच्च के हैं, तो गुरु की पोजीशन अच्छी है, केतु आपके 12th हाउस में, मतलब लॉसेस के हाउस में चले गए। अब इनको सबसे पहले हम देखते हैं दशा किसकी चल रही है अभी। तो दशा हम देखेंगे महादशा, जो कि चंद्रमा में, और अंतर चल रहा है केतु का। जो इलेक्शन होने हैं वो होंगे आपके मार्च के आसपास होंगे, तो मार्च में इनका रिजल्ट आएगा। तो उस टाइम आप देखें तो मोटा मोटा चंद्रमा में केतु, चंद्रमा की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। तो चंद्रमा और केतु को देख लेते हैं कुंडली में। तो चंद्रमा तो यहाँ पर देखिए पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र किसका होता है, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र में। तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में और शनि से ही पीड़ित है, बट शनि अपने ही नक्षत्र में, तो शनि की पोजीशन अच्छी है, बट चंद्रमा की पोजीशन खराब है यहाँ पर। उसके बाद केतु को देख लेते, केतु है अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र किसका है, शनि का नक्षत्र है, तो पोजीशन चंद्रमा की खराब हुई। तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और केतु की उसमें अंतर चल रहा है। तो गोचर में भी देख लेते हैं उस दिन शनि चंद्रमा कहाँ पर स्थित होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने 10 मार्च का गोचर बनाया, तो केतु आप देखिए फिफ्थ हाउस में है और चंद्रमा उस दिन राहु के साथ होंगे, तो उसके चंद्रमा की पोजीशन 2.5 दिन के अंदर चेंज होती रहती है। तो चंद्रमा उस दिन राहु के साथ होंगे, चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष है। और कुछ और प्लैनेट की पोजीशंस भी देख लेते हैं, जैसे मंगल उस दिन उच्च का है, शनि अपने घर में ही है, और शुक्र मित्र राशि का हो, और सूर्य बुध और गुरु आप यहाँ पर देखेंगे, जो इनका भाग्य का स्वामी है वो कहाँ चले गया, अष्टम भाव में, तो ये खराब योग हो गया। और सूर्य धन स्थान का स्वामी भी अष्टम भाव में है, तो ये भी एक अच्छा योग नहीं, तो भाग्य से इतना सपोर्ट नहीं आ रहा है। और मैंने कुछ और भी बनाया, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो हम चंद्रमा और
केतु को लेते हैं, तो केतु देखिए इनकी लगन कुंडली है। अभी जैसे देखिए लगन कुंडली में भी ये लगन कुंडली है और ये उनका गोचर है उस दिन का, तो केतु वहीं पर ही चली गया, गोचर गोचर में वहीं गया। तो ये उच्च पद भी बोला जाता है 5th हाउस को, तो उच्च पद से इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। और चंद्रमा की पोजीशन हम देख ले तो चंद्रमा इनके लगन में उस दिन 11th हाउस में चल रहे होंगे, तो चंद्रमा की पोजीशन टोटल मिला के अच्छी है, बट थोड़ा राहु से पीड़ित है। तो टोटल मिला के जो एनालाइज निकलता है, और थोड़ा हम इसका केपी भी चार्ट देख लेते हैं, केपी में क्या आ रहा है, चंद्रमा और केतु क्या दे रहे हैं। तो हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में चलते हैं यहाँ से। अब देखिए चंद्रमा क्या दे रहा है, चंद्रमा 1, 7, 8, 12 8 और 12 दे रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव योग हो गया। और केतु को देखें तो केतु भी 8, 12, ये देखिए के चंद्रमा में 7, 8, 12 आ रहा है और केतु में भी 7, 8, 12 आ रहा है, माने पार्टनरशिप से लॉस टोटल मिला के। तो मुझको ऐसा लगता है कि हरीश रावत जी का थोड़ा सा इनको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के योग नहीं दिख रहे हैं हरीश रावत के। इनका बाकी का सपोर्ट कैसा मिलता है, क्योंकि पार्टनरशिप सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर 7, 8, 12 में, पार्टनर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से इनको कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, जो टोटल मिला के मुझे दिख रहा है। अगर ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन जाते हैं तो इलेक्शन ये जरूर हार जाएंगे, क्योंकि 8, 12 दिख रहा है यहाँ पर, तो इलेक्शन हारना इनका निश्चित है। तो कांग्रेस अगर इनको अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो ये इलेक्शन हारना, कांग्रेस ये इलेक्शन हार जाएगी अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं। टोटल मिला के यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा हरीश रावत बनेंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।